सिलेंड्रिकल मैग मैगनेट यहाँ पर रखा हुआ है ओबियसली कि मैग्नेट और इसके बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन रहा होगा कुछ इसका फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा तो इस मैग्नेट को सडनली यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकालने के बाद में अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस प्रोसेस में वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसके वजह से जो चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है गैलोमीटर से वो चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे क्यू के इक्वल इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया कि बैलिस्टिक गेलोमीटर तो बैलिस्टिक गेलोमीटर एक ऐसा गैल्नोमीटर होता है जो काफ़ी सेंसिटिव होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस किया गया होगा प्रोसेस बहुत सडन हुआ होगा यहाँ पर ये यह, तो ये सेंसिटिव होता है और ये जो सडन प्रोसेस होते हैं उसमें भी अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकता है तो इट इज़ मोर सेंसिटिव गैलनोमीटर बस अभी आप इसको इतना समझ सकते हैं तो इट इज़ अ सेंसिटिव गैलोमीटर उसका यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है तो अब यहाँ पर जो कॉल है इस कॉयल में अगर मैं फ़्लक्स लिखता हूँ तो किसी भी कॉयल में जो फ्लक्स होता है एक तो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से होता है कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कोयल में और फिर फ्लक्स होगा यहाँ पर तो एक्सटर्नल सोर्सेज तो फ्लक्स एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से होगा प्लस फ्लक्स अगर खुद में भी कुछ करंट अगर मान लीजिए फ्लो हो जाए तो अगर इसमें भी अगर कुछ करंट फ्लो होता है तो उसका फ्लक्स भी इसे पास हो रहा होता है तो एक्सटर्नल की वजह से और सेल्फ की वजह से एक्सटर्नल को कई बार हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ भी रिलेट करते हैं कि दो कोयल्स आपस में इस तरीके से रिलेट हो रही हैं कि एक में करंट फ्लो हो रहा है और एक के करंट की वजह से दूसरे में फ़्लक्स पास हो रहा है जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये दो कॉयल्स हैं इस तरीके की जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ कोयल नंबर वन दिस इज़ कोयल नंबर टू तो अगर मैं इसमें करंट फ्लो करता हूँ आई वन तो इसका जो भी फ्लक्स है वो फ़्लक्स यहाँ पर इसके साथ भी यहाँ पर लिंक होता है तो कुछ फ़्लक्स ऐसा है जो कि टू के साथ भी यहाँ पर लिंक हो रहा है तो अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि फाइव टू कितना होगा तो दिस इज़ सम एम एम को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और यहाँ पर करंट कौन सा आई वन आई वन करेंट की वजह से इसका उल्टा भी यहाँ पे होता है कि फाइव वन इज इक्वल टू एम आई टू अगर मैं इसमें आई टू करेंट फ्लो कराता हूँ तो उसके वजह से इसमें फ्लक्स होता है फाइवन ये जो एम होता है चाहे आप इस पाथ के थ्रू कैलकुलेट करो चाहे इस पाथ के थ्रू कैलकुलेट करो एम सेम होता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी तो अगर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए एम को चाहे इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए एम यहाँ पर इक्वली आता है तो यहां पर जो फाइव एक्सटर्नल है फाइव एक्सटर्नल को आप म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ भी यहां पर रिलेट कर सकते हो और फाइव सेल्फ जो फाइव सेल्फ होता है वो ड्यू टू ऑन करंट खुद के करंट की वजह से और ये दूसरे करंट या दूसरे सोर्सेज की वजह से और जो फाइव सेल्फ होता है फाइव सेल्फ की जो वैल्यू होती है दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द द्वाइल जो क्वाल का खुद का करंट है वो यहां पर काम में आएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए तो फाइव यहां पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा तभी इसके अंदर यहाँ पर ई e इंड्यूस हुआ है इसमें अब आगे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसमें कितना ईम e इंड्यूस हुआ है तो ई e इंड्यूस को आप बोल सकते हो कि डी फाइबिटी होता है माइनस भी लगा सकते हैं इज इक्ल टू माइनस डी फाइबिटी और जो ई e इंड्यूस होता है तो ई e से करेंट फ्लो हुआ होगा तो आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ई बाई रजिस्टेंस तो ई बाय रजिस्टेंस ई यहाँ पर है माइनस डी फाइबलिटी डिवाइड बाई दिस रजिस्टेंस लेकिन अल्टीमेटली मुझे चाहिए कि कितना चार्ज फ़्लो हो रहा है चार्ज से इसको रिलेट करना है तो चार्ज से रिलेट करने के लिए आई इं डी टी कर दो आप तो आई इं डी टी ये छोटे टाइम में कितना चार्ज फ़्लो हुआ वो आ जाएगा और ये आपको इसके बराबर हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई आर आप इंटीग्रेशन कर लो इसका तो इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल गिव टोटल चार्ज तो जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर क्यू के बराबर है और ये फाइनली माइनस डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर आ रहा है माइनस का कोई खास रिलेवेंस नहीं है यहाँ पर जस्ट आप फ़्लक्स में चेंज निकालो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लो क्योंकि जब भी बोला जाता है कि इतना चार्ज फ्लो हुआ तो जस्ट हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर इतना चार्ज फ्लो हुआ है तो यहाँ पर आप चाहो तो एक मॉड का साइन भी लगा सकते हो कि ये सिंपली हमें जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर और उसके लिए डेल्टा फाई निकालना होगा कि फ्लक्स में यहाँ पर कितना चेंज आया है जब मैं फ़्लक्स की चेंज की बात करता हूँ डेल्टा फाई थ्रू कॉइल तो डेल्टा फाई एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से फ्लक्स में कितना चेंज यहाँ पर आया है और खुद के वजह से कितना है यहाँ पर चेंज आया तो एक्सटर्नल यहाँ पर जो है वो मैग्नेट की वजह से इट इज़ ड्यू टू मैग्नेट तो इनिशियली मैग्नेट यहाँ पे था बाद में मैग्नेट को यहाँ से हटा के दूर कर दिया गया है तो मैग्नेट की वजह से अब कोई फ्लक्स यहाँ से पास नहीं होगा तो फाइव एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से जो फ्लक्स था उसमें कितना चेंज आया तो पहले कुछ था बाद में ये जीरो हो गया इसमें ठीक है तो सिंपली जो डेल्टा फाइव होगा वो फाइव ड्यू टू तो मैग्नेट हो जाएगा बाद में ये ज़ीरो हो चुका है तो जो चेंज है वो इनिशियल वैल्यू के बराबर ही है और जो फाइव सेल्फ है उसको आप एल डेल्टा आई लिख सकते हो तो एल डेल्टा आई तो डेल्टा आई यहाँ पर जब ये जब इस तरीके से रखा हुआ था तब भी करंट जीरो था इसमें और करंट तब फ्लो हुआ जब ये यहाँ से निकल रहा होगा लेकिन जब ये अपने जगह पे चला गया इसे दूर हो गया तो करंट वापस से ज़ीरो हो गया होगा तो करंट की जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे और जो फाइनल वैल्यू है वो दोनों ही जीरो हैं तो डेल्टा आई की वैल्यू भी यहाँ पर अगेन जीरो हो जाएगी इसमें तो सिंपली बस आपको जो इनिशियल फ्लक्स था मैग्नेट की वजह से वो निकाल देना है फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट इनिशियली इनिशियली कितना यहाँ पर था यही एक तरीके से हमारे लिए डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी तो डेल्टा फाई थ्रू द्वाइल इज फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट इनिशियली कितना था यहाँ पर अब मैग्नेट और इसके बीच में फ्लक्स ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड भी अजुब्य गरीब होगा अगर हम मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसका कोई फार्मूला जनरली हमें एक्सेस वगैरह पर तो फिर भी पता होता है और वो भी दूर के पॉइंट्स पे जनरली पता होता है तो डायरेक्टली तो ये मैग्नेटिक फ़्लक्स की कैलकुलेशन करनी आसान नहीं है यहाँ पर कि मैग्नेट की वजह से कोयल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल बिल्कुल भी आसान नहीं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में जा रहे हैं यहाँ पर तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब यहाँ पर आगे कैसे अप्रोच किया जा रहा है यहाँ तक का तो ठीक है कि हमें ये कैलकुलेट करना है लेकिन हाउ टू कैलकुलेट दिस तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ये सभी को पता होना चाहिए कि जो मैग्नेट होता है बेसिकली एक लूप के जैसा ही होता है एक एक करंट कैरिंग लूप के जैसा होता है एक मैग्नेट को करंट कैरिंग लूप से रिप्लेस किया जा सकता है जो जो प्रॉपर्टीज़ करंट कैरिंग लूप में होती है वही इस मैग्नेट में भी होती है मैग्नेट भी बेसिकली जो इसके सरफेस करेंट्स होते हैं उसके वजह से मैगनेटिज़म होता है इसका तो मैं इस मैग्नेट को एक करंट कैरिंग लूप से और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ये बिल्कुल उसी तरीके की प्रॉपर्टी का होगा जैसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर या उसी मैग्नेटिक मोमेंट का होगा जितने मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पर यह मैग्नेट है तो मैं इसके इक्वलेंट सर्कुलर लूप से इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ तो रिप्लेस करने के बाद में मैं प्लेन वाला डायग्राम बनाता लूँ कि इन प्लेन जो डायग्राम दिखेगा इन प्लेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा तो मैग्नेट यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है यहाँ पर आप अगर लैंग्वेज को पढ़ो तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है स्मॉल सिलेंड्रिकल मैग्नेट तो जो लूप यहाँ पर रख रहे हैं वो भी काफ़ी स्मॉल है स्मॉल का मतलब उसके जो रेडियस है वो बहुत ही कम है इसमें तो इसके तो रेडियस यहाँ पर हमें ए दी गई थी इसकी रेडियस को मैं यहाँ पर स्मॉल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल आर इज़ दिस सर्कुलर लूप की रेजिस्टेंस सर्कुलर लूप का यहाँ पर जो रेडियस है वो आर है और आर को मैंने ए से बहुत कम ले रखा है स्मॉल रखने के लिए तो आर इज़ मच मच लेस देन है तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया है कि इस सर्कुलर लूप की वजह से मेरे को इस कॉयल में फ्लक्स निकालना है तो अभी भी वो आसान नहीं है क्योंकि इसका तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सेस पे जरूर पता होता है उनको और एक्सेस पे पता होने के साथ साथ यहाँ तो पता होता ही नहीं कि यहाँ पे कितना होगा यहाँ कितना होगा ये तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि इसकी वजह से आप इस बड़े कॉयल में फ़्लक्स नहीं बता सकते अब यहाँ पर अगेन एक इनडायरेक्ट अप्रोच है क्योंकि अभी जस्ट मैंने जो ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया है इसमें कि अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल जाए तो किसी एक करंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से आप दूसरे में फ्लक्स पता कर सकते हो कितना होगा यहाँ पर तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लूँ तो उससे यहाँ पर इस करंट की वजह से इसमें कितना फ्लक्स पास होगा फिर वो बताना आसान रहता है और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए या तो हम इस रास्ते का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इस रास्ते का यूज़ कर सकते हैं मैं इसको कोयल नंबर वन बोल देता हूँ उसको तो कोयल नंबर टू तो हम क्या करेंगे कि बाहर वाले कोयल में करंट फ्लो कराएंगे उसके वजह से फ्लक्स इसमें निकालेंगे और फ्लक्स डिवाइडेड बाई करेंट कर देंगे तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा नाउ वी आर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर रहा हूँ फाइव टू डिवाइडेड बाई सॉरी फाइव फाइव वन में कैलकुलेट कर रहा हूँ करंट क्वाल नंबर टू में लिया हुआ है सपोज इसको इस करंट को मैं आई टू का यहाँ पे नाम देता हूँ सपोज लेट्स से दिस इज आई टू जब इसमें आप करंट फ्लो कराओगे तो इसमें करंट जब फ्लो कराया जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और वैसे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पता है लेकिन क्योंकि रेडियस बहुत कम ली जा रही है तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म एज्यूम कर सकते हो तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा मी नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू इंटू रेडियस तो टू इंटू रेडियस इज़ टू ए फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके एरिया से तो ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और फिर आई टू से अगेन डिवाइड करना पड़ेगा तो करंट विल बी कैंसल्ड तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मी नॉट एन फाई आर स्क्वायर एन जो है वो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि गिवन है क्वेश्चन में तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस नाउ अब हमें कैलकुलेट करना था फाइ थ्रू द दायल नंबर टू अगर आप इसमें कोई करंट फ्लो कराते हो सपोज स्मॉल आई करंट फ्लो कराते हो तो इसकी वजह से इसमें कितना फ्लक्स यहाँ पर पास होगा तो एम इन आई करना पड़ेगा यहाँ पर इसके लिए तो एम हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस और आई हो गया इस छोटे कॉइल में करंट और उससे बाहर वाले में कितना फ्लक्स पास होगा वो आ जाएगा तो एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है मी नॉट एन पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए दिस इज एम और जो आई है वो तो आई है यहाँ पर इसमें दिस इज इस आई तो दिस इज वैल्यू ऑफ़ फाई टू तो ये फाई टू है अब इस फाई को आप यहां पर इसे रिलेट कर लो क्योंकि आपको पता है कि टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो एक तरीके से यहां पर ये यह फाई टू ही है फाइव टू डिवाइड बाई आर तो दिस इज फाई टू डिड बाई आर तो जो चार्ज फ्लो ने यहाँ पे क्यू तो फाई टू की वैल्यू आप यहाँ पर दो मी नॉट एन पाई आर स्क्वायर इन टू आई डिवाइड बाई टू है डिवाइड बाई आर अब अल्टीमेटली हमको इसका कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इस क्वाइल का होगा तो किसी करंट कैरिंग क्वाइल का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे दिया जाता है कैसे लिखा जाता है तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो दिस विल बी करंट आई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर तो एक तरीके से ये जो क्वांटिटी यहाँ पर यही म्यू है इसमें तो दिस क्वांटिटी इज बेसिकली म्यू तो इसको आप म्यू से रिप्रेजेंट कर लो तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू मी नॉट एन म्यू और ये जो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी टू ए आर क्यू डिवाइडेड बाय मी नॉट इन टू एन सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर मैग्नेटिक मोमेंट